इन डिफरेंशिएशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन रूल को। अगर मैं कहता हूँ कि दो फंक्शन है, ज़रा देखें ध्यान से, अगर मैं कहता हूँ कि दो फंक्शन है और उनका डिफरेंशिएशन मुझे करना है, जैसे मैं कहूँ कि डी अपॉन डी एक्स, और हमें करना है किसके दो फंक्शन, फंक्शन वन इंटू दूसरा है फंक्शन टू, इसका मुझे डिफरेंशिएशन करना है। इसका रूल होता है कि पहले फंक्शन को छोड़ देते हैं, दूसरे फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देते हैं, दूसरे फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देते हैं प्लस दूसरे फंक्शन को छोड़ देते हैं और पहले फंक्शन को हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं। ठीक है, ये इसका रूल होता है। तो चलिए पहले इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं, तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। फिर से देखें, अगर ये बात ना समझ में आए हो तो फिर से देखें। मैं कहता हूँ कि डिफरेंशिएट करना है मुझे दो फंक्शन का, ये फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन। इसका तरीका होता है कि पहले फंक्शन को छोड़ देते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं दूसरे फंक्शन को, प्लस दूसरे फंक्शन को छोड़ देते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं पहले फंक्शन को। ये तरीका है डिफरेंशिएशन का, मल्टीप्लिकेशन रूल, इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन रूल। ओके, अब एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन देखें, y इज इक्वल टू दिया हो अगर x इंटू साइन x। यहाँ पे देखिए दो फंक्शन है, पहला जो फंक्शन है ये अलजेब्रिक फंक्शन है, दूसरा जो फंक्शन है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अगर इस फंक्शन का मुझे डिफरेंशिएशन करना हो तो इसका रूल देखें, इस रूल पे लगाइए डी वाई अपॉन डी एक्स, पहले फंक्शन को छोड़िए, दूसरे फंक्शन को इसको डिफरेंशिएट किए, ये डैश डिफरेंशिएशन बताता है, प्लस दूसरे फंक्शन को छोड़िए, पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करिए। तो लगाया जाए इस क्वेश्चन को, मैं डिफरेंशिएट करता हूँ डी वाई अपॉन डी एक्स, क्या आएगा, एक्स को छोड़ा, साइन एक्स को डिफरेंशिएट किया, ठीक है ना, प्लस साइन एक्स को छोड़ा, प्लस डी अपॉन डी एक्स यानी पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दिया। ठीक है, ये पहला, ये दूसरा, पहले को छोड़ दिया, दूसरे को डिफरेंशिएट किया, दूसरे को छोड़ दिया, पहले को डिफरेंशिएट कर दिया, तो भैया एक्स हो गया ये, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना, कॉस एक्स प्लस यहाँ पे साइन एक्स तो वैसे ही रहेगा, एक्स का डिफरेंशिएशन कितना, वन। क्या ये बातें सबको समझ में आई, तो मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, एक्स कॉस एक्स प्लस कितना, साइन एक्स। तो ये आ गया अपना डिफरेंशिएशन किसका, वाई इक्वल टू एक्स डॉट साइन एक्स का, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, इस तरह के और भी क्वेश्चन करते हैं, ये पहला क्वेश्चन था, दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, ज़रा देखें, क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन है कि अगर हो वाई इक्वल टू ई पे पावर एक्स इंटू एल एन एक्स, ऐसा दिया हुआ। तो यहाँ पर देखिए फिर से दो फंक्शन है, एक हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और दूसरा हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो फिर से डिफरेंशिएट किया जाए, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी अपॉन डी एक्स और यहाँ पे ई पे पावर एक्स इंटू एल एन एक्स। मैं क्या लिख सकता हूँ, मैंने पहले वाले फंक्शन को छोड़ा, दूसरे वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट किया यानी एल एन एक्स को, प्लस एल एन एक्स को छोड़ दिया, डिफरेंशिएट किया पहले वाले फंक्शन को ई पे पावर एक्स का। मैं क्या लिखूंगा, ई पे पावर एक्स और एल एन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वन अपॉन एक्स होता है, यहाँ पे एल एन एक्स ई पे पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई पे पावर एक्स ही होता है। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे ई पे पावर एक्स कॉमन कर लें तो आएगा वन अपॉन एक्स प्लस एल एन एक्स, ये आ गया हमारा डिफरेंशिएशन। क्या ये बातें सबको समझ में आई, चलिए और भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं चाहे तो आप कर सकते हैं, है ना। जैसे अगर मैं कहूँ कि एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं, सब लोग नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर थ्री देखिए, इसको नोट करें, इसमें कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो बोलें, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लें। ओके, क्वेश्चन नंबर थ्री देखें। क्वेश्चन नंबर थ्री, अगर मैं कहता हूँ, ध्यान दें, अगर मैं कहता हूँ कि y इज इक्वल टू है साइन x इंटू एल एन एक्स, तो देखो यहाँ पे दो फंक्शन है, ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और ये हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन, दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है। इसको डिफरेंशिएट करें तो क्या लिखेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स यानी डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो पहले फंक्शन को छोड़ना है, दूसरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, प्लस दूसरे फंक्शन को छोड़ना है और पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है।
देखे जाना, समझे? पहले फंक्शन को छोड़ दिया, साइन एक्स को मैंने छोड़ दिया, डिफ्रेंशिएट किया किसको, एल एन एक्स को, ओके, प्लस एल एन एक्स को छोड़ दिया और डिफ्रेंशिएट किया किसको, डी अपॉन डी एक्स को, साइन एक्स को, ओके। अब साइन एक्स ले सकते हैं, साइन एक्स एल एन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना, वन अपॉन एक्स, प्लस एल एन एक्स और साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, कॉस एक्स। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा साइन एक्स बाई एक्स प्लस एल एन एक्स बाई एस, एल एन एक्स इंटू कितना, कॉस एक्स। ये हमारा आ गया आंसर, ओके। क्या ये बातें सबको समझ में आई, ये हमारा आ गया आंसर, ठीक है ना बच्चों। तो ये हुआ मल्टीप्लीकेशन ऑफ द टू फंक्शन, उसका रूल क्या रहा, रूल बार बार लिख लें, रूल क्या रहा, रूल रहा, इसका रूल रहा कि अगर दो फंक्शन हैं, फंक्शन वन इंटू फंक्शन टू, दोनों का मल्टीप्लीकेशन है, उसको मुझे डिफ्रेंशिएट करना है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स लिखेंगे, पहले फंक्शन को छोड़ देंगे, इंटू डिफ्रेंशिएट करेंगे किसको, डी अपॉन डी एक्स करेंगे किसको, दूसरे फंक्शन को, और फिर दूसरे फंक्शन को छोड़ देंगे और डिफ्रेंशिएट करेंगे किसको, पहले फंक्शन को। ये हमारा रूल था दो फंक्शन का अगर डिफ्रेंशिएशन दिया है तो, दो फंक्शन का अगर डिफरेंशिएशन दिया है तो ये हमारा रूल था, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ी सी चीज़ें और देखते हैं। अगर डिवीज़न हो, दो फंक्शन का डिवीज़न हो, तो लिखिए डिवीज़न, है ना। तो अगर दो फंक्शन का डिवीज़न हो, देखें जरा, अगर दो फंक्शन का डिवीज़न हो तो क्या करेंगे, उसके लिए क्या रूल बनता है, ज़रा इसको भी देखा जाए। अगर मैं कहता हूँ डिफरेंशिएशन करना है डी अपॉन डी एक्स, और दो फंक्शन है, ये ऊपर एक फंक्शन और नीचे दूसरा फंक्शन, ओके, दो फंक्शन का अगर डिवीज़न निकालना हो तो इसका क्या रूल होता है, इसका रूल होता है मेरे प्यारे बच्चों, दूसरे फंक्शन को छोड़ देते हैं, पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, और क्या, आप ऐसे लिखें तो ज़्यादा समझ में आएगा, रुक जाए, रुकें रुकें मेरे प्यारे बच्चों, देखो पहले दूसरे फंक्शन को छोड़ देते हैं, पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देते हैं, पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, ओके, माइनस पहले फंक्शन को छोड़ देते हैं और दूसरे फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद नीचे, नीचे क्या आएगा भैया, दूसरे फंक्शन को स्क्वायर कर देते हैं, दूसरे फंक्शन का स्क्वायर कर देते हैं। ये रूल होता है डिवीज़न ऑफ द टू फंक्शन का, अगर मुझे डिफरेंशिएशन करना है तो, ओके, इसको डिवीज़न रूल भी बोलते हैं, दिस रूल इज नोन एज डिवीज़न रूल, डिवीज़न रूल, इसको, इस रूल को अपन लोग क्या बोलते हैं, डिवीज़न रूल बोलते हैं। जैसे एक छोटा सा मैं क्वेश्चन लेता हूँ, एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूँ, देखें जरा समझें, एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूँ, सब लोग लिख लें, एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूँ, एक छोटे से क्वेश्चन की तरफ देखो, छोटे से क्वेश्चन की तरफ देखिए, एक छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखें जरा समझें, क्वेश्चन है, अगर दिया है y इज इक्वल टू एक्स बाई साइन एक्स, अगर मुझे इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो क्या करेंगे, देखिए दो फंक्शन है, पहला फंक्शन जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, दूसरा फंक्शन जो है, सॉरी, पहला फंक्शन अलजेब्रिक फंक्शन है, दूसरा फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो अगर मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है तो मैं लिखूंगा डी वाई बाई डी एक्स, मैंने क्या बोला था, दूसरे फंक्शन को छोड़ देना है, दूसरे फंक्शन को छोड़ दीजिए, पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करिए, माइनस पहले फंक्शन को छोड़ दीजिए, दूसरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करिए और नीचे दूसरे फंक्शन को स्क्वायर कर लीजिए, ये हमारा रूल है। तो चलिए लिखते हैं, दूसरा फंक्शन कौन सा, साइन एक्स, इसको छोड़ दिया, पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, डी ऑन डी एक्स डिफरेंशिएशन, पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, माइनस हमने पहले फंक्शन को छोड़ दिया और डी अपॉन डी एक्स, दूसरे फंक्शन का हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, बाई क्या, बाई दूसरा फंक्शन क्या है, साइन एक्स, इसका क्या कर दिए, स्क्वायर कर दिए। तो देखिए क्या आएगा, ये आ गया बच्चों साइन एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, वन माइनस एक्स, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, कॉस एक्स, बाई कितना आया, बाई आ गया बच्चों यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स बाई कितना, बाई साइन स्क्वायर एक्स, ओके। तो ये आ गया हमारा आंसर,
इसी तरह से और भी क्वेश्चन देखते हैं, जरा देखें, इसी तरह से और भी क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके चलिए, ये क्वेश्चन नंबर वन था, अब हम क्वेश्चन नंबर टू की तरफ बढ़ रहे हैं। इसका यही रूल है, इसके रूल को याद रखें, हमेशा इसके रूल को याद रखें। रूल क्या है कि पहले फंक्शन को छोड़ना है, पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, माइनस पहले फंक्शन को छोड़ना है, दूसरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, बाय दूसरे फंक्शन का स्क्वायर कर देना है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, छोटा सा एक और क्वेश्चन लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये है, अगर मैं बोल दूँ y इज़ इक्वल टू मैं बोल दूँ ln x बाई e पे पावर x, ऐसा मैं बोल दूँ, है ना, तो क्या होगा देखें। मैं बोल दूँ ln x है अपॉन e पे पावर x है, तो ये हमारा कौन सा फंक्शन है, ये हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन और ये हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। dy अपॉन dx करेंगे तो क्या करेंगे, दूसरे फंक्शन को छोड़ना है, ध्यान दें दूसरे फंक्शन को छोड़ो, तो e पे पावर x को छोड़ दिया, डिफरेंशिएट किया किसके को, पहले को ln x को, माइनस पहले को छोड़ा ln x छोड़ा, डिफरेंशिएट किया किसको, दूसरे फंक्शन को, अपॉन दूसरे फंक्शन का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, आएगा e पे पावर x, ln x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1 अपॉन x माइनस ln x है, और e पे पावर x का डिफरेंशिएशन जो होता है वो e पे पावर x ही होता है, और नीचे मेरे प्यारे बच्चों e पे पावर x स्क्वायर है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, e पे पावर 2x। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे e पे पावर x कॉमन कर लीजिए, तो लिख सकते हैं 1 अपॉन x माइनस ln x, और नीचे e का स्क्वायर है, तो एक तो कट जाएगा एक बचा रह जाएगा, तो आ गया आंसर कितना, 1 अपॉन x माइनस ln x बाई e पे पावर x, ये हमारा आ गया बच्चों आंसर। ओके तो इस तरीके से हम लोगों ने डिफरेंशिएशन के जितने रूल थे ये सब देख लिए, है ना। चलिए कुछ और भी कॉन्सेप्ट हैं, कुछ और भी क्वेश्चन हैं, उसको देखेंगे, पहले आप इसको नोट कर लें, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए देखिए कुछ क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जरा उसको देखते हैं। अगर मान लीजिए y इज इक्वल टू दे रखा है 6x माइनस 4 पे पावर 3, और इसका अगर आपको डिफरेंशिएशन करना है तो इसको डिफरेंशिएट करने का तरीका देखें, dy अपॉन dx लिखा, यहाँ पे जो पावर है उसको आगे ला लीजिए पावर आगे, ठीक है, और उसमें से 6x माइनस 4 उसमें से घटाया 3 माइनस ये आ गया, इंटू देखिए इसके अंदर भी फंक्शन है, इसको डिफरेंशिएट करिए dx 6x माइनस 4 का और मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना आएगा 3 और कितना 6x माइनस 4 ऊपर आया 2 इंटू इसका डिफरेंशिएशन करेंगे कितना आएगा 6 और 4 का तो 0 हो जाएगा, तो कितना आएगा 18 और कितना 6x माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है ना। ये सबसे आसान तरीका है डिफरेंशिएशन का, ऐसे फंक्शन का जो इस तरह के फंक्शन दिए होते हैं, ठीक है ना। चलो मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं, और भी क्वेश्चन हम लोग इस तरीके के देखेंगे, ठीक है ना। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन टू। जैसे मैं कहूँ कि y इज इक्वल टू है अंडर रूट 4x प्लस 4, इसको मैं लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू 4x प्लस 4 तो पावर कितना 1/2। इसका अगर मुझे डिफरेंशिएशन करना है तो हमने तरीका बताया था, लिखेंगे कितना dy अपॉन dx और 1/2 आगे आ गया और कितना 4x प्लस 4 और उसमें से एक घटा देंगे और इनटू डिफरेंशिएट करेंगे किसको 4x प्लस 4 को और उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा बताओ जरा, तो 1/2 और यहाँ पे 4x प्लस 4 पे पावर कितना माइनस 1/2 आ जाएगा, और इसका अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा 4, तो इसको लिख लिया जाए 2 से ये कट गया 2 टाइम्स, तो बचेगा कितना 2 अपॉन, इसको नीचे लाइए तो क्या लिखेंगे 4x प्लस 4 पे पावर कितना 1/2, ये लिख सकते हैं 2/√4x + 4, ये हमारा आ गया आंसर। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए इसको सॉल्व करने का तरीका यही होता है, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। जब भी इस तरह क्वेश्चन आए आप इसको इस तरह से कर ले जाएंगे। एक क्वेश्चन और कर देते हैं, एक क्वेश्चन और। जैसे अगर क्वेश्चन दिया हो y इक्वल टू, देखें साइन दिया हो 3 - 6x, अगर इसको मुझे डिफरेंशिएट करना, तो देखिए इस फंक्शन के अंदर एक फंक्शन है, तो इसको डिफरेंशिएट करने का तरीका है dy बाई dx, d अपॉन dx साइन का करिए डिफरेंशिएशन, कितना आएगा 3x, 3 माइनस कितना दे रखा है
थ्री माइनस सिक्स एक्स ये दे रखा है, तो हम लोग लिख लें कितना, थ्री माइनस सिक्स एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करिए तो क्या लिखेंगे आप, लिखेंगे कॉस और कितना थ्री माइनस सिक्स एक्स इंटू इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का भी डिफ्रेंशिएशन हुआ है, अब उस फंक्शन के अंदर जो फंक्शन है उसको डिफ्रेंशिएट करके मल्टीप्लाई कर देते हैं, थ्री माइनस सिक्स एक्स, तो इसका जो डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा, माइनस सिक्स मल्टीप्लाई होगा, माइनस सिक्स कॉस आया थ्री माइनस सिक्स एक्स, ये हमारा आ गया आंसर। तो इस तरह के जब भी क्वेश्चन आए मेरे प्यारे बच्चों आपको ऐसे ही करना है। चलिए ओके, थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच।